हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइटनिंग सिटी। हम दोनों आज एक जगह घूमने के लिए आए हैं, आज उसको एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं वो क्या है और आपको भी मैं दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते, जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ आप भी देखिए। ये एक बीच है जो कि मेरे घर के पास से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक बहुत अच्छा बीच है। एकदम देखने में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अनछुआ अनटच्ड है। तो आइए उधर घूमते हैं, मैं उन वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ बीच कैसा है और किस तरीके का है, कैसे आया जा सकता है वो सब मैं बताऊँगा और मेरी बेटी। आज ये बीच आपको दोस्तों, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये बीच में जाने से पहले रास्ते में ही एक मंदिर है, एकदम पास में मंदिर है। बीच इससे थोड़ा सा दूर से ही स्टार्ट होता है, ये मंदिर एरिया है, वहीं का एक छोटा सा मंदिर है, उसमें भोले बाबा की मूर्ति भी है। आप देखिए गेट के द्वार के ऊपर में, मैं आपको इसके दर्शन कराता चलता हूँ, आपको दिखाता चलता हूँ। ये मंदिर दो छोटी छोटी इमारतें बनी हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है। ये दोनों इमारतें अलग अलग हैं। ये रास्ता है जो कि मेन रोड से आता है, उधर में मेन रोड है, वहाँ से ये रास्ता है अंदर की तरफ कटता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये जो विंड मिल है वो है, उसके पास से ये रास्ता, और ये रास्ता सीधा ऐसे आता है और यहाँ पर आकर के ये देखिए, ये मंदिर मैंने आपको दिखाया था अभी, ये रास्ता सीधा बीच की तरफ चला जाता है। चलिए चलते हैं। वो सामने मेरी बेटी है, वो चली गई है अकेले ही, उसे बहुत पसंद है वहाँ घूमना। इतनी पास तक बाइक्स आ जाती हैं, गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन फिर क्योंकि रास्ता संकरा है तो हम लोगों को गाड़ी घुमाने में भी दिक्कत आती है, कई बार रश भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक ये मंदिर है, ये एक्चुअली वो वाला जो मंदिर था उसमें तो भोले बाबा की मूर्ति थी। ये मंदिर किसका नहीं मालूम, क्योंकि नॉर्मली इसके द्वार बंद रहते हैं, जब कोई पूजा होती है सुबह और शाम की उस समय ये लोग खोलते हैं, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मंदिर है, देखिए ये दोनों मंदिर अभी आपको साथ में दिखाई देंगे। हाँ चलिए बीच की तरफ चलते हैं। अभी इसमें लहरें बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ये अग्रेसिव हो रहा है आज, पूर्णमासी भी नहीं है फिर पता नहीं। सागर है जैसा कि आपको मैंने धनुषकोटी में बताया था, हम लोग उसी डायरेक्शन में लगभग, ये प्रॉपर साउथ है। देखिए कितना अग्रेसिव हो रहा है, पानी कितना तेज है और कितनी दूर तक आ रहा है। नॉर्मली ये पानी पीछे ही रहता है, वहाँ उस साइड में उधर उधर रहता है, लेकिन अभी आगे तक आ रहा है। आप देखिए कितना बड़ा बीच है, रास्ता जहाँ से हम लोग आए हैं, ये पानी यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक पानी आ जाता है कई बार, ये पूरा पानी भी भर जाता है इस जगह पर, अभी थोड़ा कम है। ये देखिए बहुत सुंदर बीच है, ये पानी एकदम ग्रीन है, एकदम साफ पानी दिखेगा, दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ पानी पानी। वहाँ किनारे पे एकदम लास्ट में कई बार वहाँ से शिप गुजरते हैं, वो दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। कभी दूरबीन या कैमरे का अगर फोकस बहुत अच्छा हो तो उसको फोकस कर लेने से हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है।
फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने समुद्र पहली बार देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समुद्र अभी तक नहीं देखा, उनके लिए मतलब सपना साकार करने जैसा हो जाता है। तो वो लोग जो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कन्याकुमारी में घूमने के लिए, उन लोगों के मन में क्या रहता है कि हम लोग समुद्र में जाएंगे, नहाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मगर यहाँ कन्याकुमारी जैसे ही आते हैं तो उनका जो सपना है वो लगभग टूट जाता है। क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी के आसपास में जो कन्याकुमारी है उसके जितने भी बीच है किनारे पर, उसमें सब में चट्टाने हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसकी वजह से लोग नहा नहीं पाते, वो इन्जॉयमेंट नहीं कर पाते जो कि उनको बीच पर करना चाहिए या वो लोग सोच करके आते हैं। दोस्तों, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एक कन्याकुमारी से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है, और ये जो बीच है ज़्यादा दूर भी नहीं है अगर देखा जाए तो। हम लोग जब शहरों में, मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो दिल्ली जैसे शहर में 15 किलोमीटर ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दूर रहता है, मगर ये खाली जगह है, आप लोग यहाँ आइए। इस बीच का नाम है चेट्टीकुलम बीच, ये चेट्टीकुलम करके एक जगह है, उसके पास में है ये बीच। मैंने आपको बीच के कुछ शॉट अभी लिए हैं, पीछे दिखाए हैं, अभी आपको और दिखा दूंगा। ये बीच पर आइए, ये पूरा बीच अच्छे से साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा बीच है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ पर आकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको पहले तो मैंने बीच दिखाई दिया है, फिर भी देखिए कितनी दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, और बीच इतना अच्छा है कि आप आराम से नहा सकते हैं। इस बीच की एक ख़ास बात ये भी है कि जब हम लोग पानी में उतरते हैं तो एकदम से गहरा नहीं हो जाता समुद्र आगे जा कर के, उसमें काफ़ी जगह है, हम लोग काफ़ी अंदर तक जा कर के नहा सकते हैं, कमर तक कंधे तक हमारे पानी आ जाता तो भी हम लोगों को ज़मीन रहती है नीचे, तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ का जो पानी है वो समुद्र का पानी इधर का अंदर खींचता नहीं है, तो जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो लोग भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पानी आ रहा है, कितनी अच्छी लहरें हैं, ये पूरी लहरें देखिए दूर दूर तक, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन आंखों से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने, मेरे सामने देखिए कितनी तेज़ी से आ रही है, लगभग 1.5 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची तो लगभग रहती है लहर। तो यहाँ पर अगर आप लोग आए हैं कन्याकुमारी एरिया में, तो जब आप लोग कन्याकुमारी घूम लें वहाँ पर, फिर बीच घूमने का मन हो तो एक ऑटो वाले को बोलिए, वो आपको चेट्टीकुलम बीच लेकर के जाएगा, उसको बोले चेट्टीकुलम बीच जाना है, वो आपको लेकर के आएगा। सही समय यहाँ पर आने का ये है कि आप शाम को वहाँ से निकलिए 4-4:30 बजे, 5 बजे तक आप यहाँ आ जाइए, यहाँ करके 1.5 घंटा आराम से इंजॉय कीजिए, उसके बाद वापस आप जा सकते हैं। और यहाँ पर सनसेट का भी मौका मिल जाता है कई बार, तो सामने अगर आप देख रहे हो ये सन इस डायरेक्शन में, और अभी ये जब नीचे सेट होगा तो उस टाइम पर हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन कई बार वो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो यहाँ सामने में, एकदम सामने में आपको दिखाता हूँ। ये रीजन में सनसेट होता है, तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। कन्याकुमारी आए तो सनसेट और सनराइज़ ज़रूर देखना चाहिए। कन्याकुमारी में सनराइज़ पॉइंट भी है, सनसेट पॉइंट भी है, दोनों दूर है, तो आप लोग आइए कन्याकुमारी में, अगर आपने स्टे किया है तो सनराइज़ देखिए, उसमें बहुत भीड़ हो जाती है, मैं तो कभी नहीं देख पाया, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वो वाली बात है, हम लोग हैं पास में लेकिन हम लोग नहीं आ पाते हैं, तो मैं देख भी नहीं पाया हूँ पहले वैसे तो। तो आप यहाँ आइए, इन्जॉय कीजिए, यहाँ पर कई बार गणेश चतुर्थी जैसे आएगी, अभी आने वाली है, गणेश चतुर्थी में विसर्जन के लिए भी यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ा मेला सा लग जाता है इधर, और सरस्वती पूजा के बाद उनका जब विसर्जन होता है उस समय भी यहाँ पर आते हैं, और भी दूसरी पूजाएँ होती हैं यहाँ की, तो उसमें भी ये लोग आते हैं और आकर के यहाँ समुद्र की भी पूजा करते हैं, और अपना जो विसर्जन है वो विसर्जन भी होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा वीडियो है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि उसके नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आप तक पहुंच सकें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों का ही सहयोग रहेगा तो मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा, मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगा। दोस्तों, अभी तो ये छोटा सा ट्रैवल टाइप ही ब्लॉग बनाया है मैंने, अभी और भी कुछ चीज़ें इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि मुझे कंटेंट ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर पाएंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि मेरा चैनल और मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जल्दी ही मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।